वहीं हरिद्वार से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन रवाना हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको रवाना किया है। हरिद्वार से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई और इस दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। भगवान श्री रामलला के मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए पहली ट्रेन रवाना की गई है और ये उन्हीं राम भक्तों का जोश और उत्साह है जो जयघोष के रूप में सुनाई दे रहा है। आस्था स्पेशल नाम की ट्रेन को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संत समाज ने हरी झंडी दिखाकर हरिद्वार से रवाना किया। बहुत ही गौरव का क्षण है और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हम साक्षी बने। इस आंदोलन से हम सब लोग जुड़े रहे, हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और इस हरिद्वार के सभी संत, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला। संतों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री जी का बहुत ही प्रयास रहा और हम लोग क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर के प्रतिष्ठा में शामिल रहे और आज ये सौभाग्य हमको मिला, हमको और मंडलेश्वर जी को। ये जो राम भक्त है हरिद्वार से ट्रेन आस्था के द्वारा भगवान श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं, उनको शुभकामना देने के लिए हम लोगों को ये सौभाग्य मिला। एक बार हम गए थे अयोध्या तो रामलला टेंट में थे, हम बहुत रोए थे, बहुत रोए थे और बोले थे कि हे भगवान, जब आप अपने मंदिर में जाओगे तभी आएंगे। कितना बड़ा सौभाग्य आज जा रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है, भगवान नहीं कर सकते, पर दिल का उद्गार है। बाप रे बाप, हम लोग इतनी खुशी हुई है, हमारे सनातन धर्म की विजय हुई है। सौभाग्य को हम अभियान ही नहीं कर सकते, जितना हमें मिला है। हम लोगों ने कार सेवा भी की है और गए भी हैं, लड़ाई भी लड़ते रहे हम लोग, सब मंदिरों में जाके और अपने आश्रमों में भी जाके सब लोगों को तैयार किया और आज हमें ये सौभाग्य मिला कि हमारे लालाजी जो है ना रामलला हमारे मंदिर में विराजमान हुए और आज उनको दर्शन करने का हमें सौभाग्य।